सबसे पहले हम ले लेंगे फूटा हुआ कप या फिर कुछ भी प्लास्टिक का बॉटल, उसको अच्छे से पेंट कर लेंगे हम फैब्रिक पेंट से। और मैंने लिया है ऊन, आप कपड़ा या कागज भी यूज कर सकते हैं। और ये एक पौधे का डंगाल, आप किसी भी पौधे का ऐसे ले सकते हैं जिसमें ऐसे झाड़ियाँ बहुत सारी निकली हों। फिर हम ये ऊन का फूल बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दो उंगली लेकर उसको राउंड करते जाना है कम से कम 15 या 20 बार। अगर ऊन ज़्यादा पतला है तो और भी ज़्यादा बार करना पड़ सकता है। और इसको हम बीचों बीच से इस तरीके से बांध देंगे। बीच से बांधने के बाद हम इसको दोनों साइड से कट कर लेंगे, ऐसे देख सकते हैं। और फिर उसको हम थोड़ा सा छाट देंगे ताकि अच्छे से गोल शेप में बन जाए। तो ये देखो, ये बन के फूल हो गया है रेडी। और इसी तरीके मैंने सारा कलर का फूल बना लिया है। और सारे शेप में बना लेना है, छोटा बड़ा। छोटा करने के लिए आप और ज़्यादा कट कर दे तो वो छोटा साइज़ हो जाएगा। फिर जो डंगाल मैंने लिया था उसमें फेविकोल या फेविक्विक जो भी आपके पास गम हो उसको हम साइड साइड जो डंगाल का झाड़ है उस पर लगाते जाएंगे। और इस तरीके से हम इसको जो ने फूल बनाया है जो हमने उनका उसको चपकाते जाएंगे, ये देख सकते हैं। और ये आसानी से चपक जाता है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से चपका दिया है। और अब बारी है जो मैंने कप बनाया है उसमें इसको अच्छे से हमें लगाना है। तो उसके लिए मैंने यूज किया थर्मोकोल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे जो झाड़ है वो इस पर अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरीके से थर्मोकोल लगाने के बाद उसमें बीच में होल करने के बाद और इसको हम इस तरीके से खड़ा कर देंगे। और ये निकलेगा भी नहीं आसानी से। तो ये बनके हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। मैंने इसको अपने टीवी पर सजाया है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।